फिल्म के पहले एटलीस्ट 3.5 महीने की तैयारियां थी हमारी। और सोशल मीडिया, अब मैं इतना एक्टिव क्यों नहीं हूँ क्योंकि मुझे अपनी प्राइवेट लाइफ उधर डालना अच्छा नहीं लगता है, यू नो। आपने पीए का रोल किया है उसमें, जैसे इंदिरा गांधी, आई मीन टू से, उनके पीए का रोल किया है। ट्रेलर हमने देख लिया, बड़ा कट टू कट है, कहीं पे भी डिस्क्लेमर नहीं है कि क्या होने वाला है। देखो ये तो सबको मालूम ही है कि क्या है इंदिरा गांधी की लाइफ, क्या है इमरजेंसी, क्या थी, सबको वैसे तो पता ही है, इट्स आउट इन द पब्लिक। यस, ओके। लेकिन इमरजेंसी जब लगी जी, तो वो डायरेक्ट लगी नहीं थी, उसका एक पूरा प्रोसेस था। टीवी और फिल्म्स, बोथ। टेलीविजन जितना पैसा देता है, उतना पैसा फिल्म में नहीं मिलता है। आज हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो पे एक ऐसे मेहमान जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो है वो टेलीविजन से की थी, और बाद में जाके फिल्मों, और फिल्मों में भी जब उन्होंने शुरुआत की तो डायरेक्टली जॉन अब्राहम के साथ परमाणु फिल्म में एक नेगेटिव रोल से। दर्शन पंड्या इज विथ मी, गुजरात से आए हुए हैं और आज हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में हैं। हम थोड़ी सी टेलीविजन और जैसे फिल्मों में एज एन एक्टर जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आपको कैसा लगता है टेलीविजन एक्टर और फिल्मी एक्टर? देखो एक्टिंग तो हर जगह पे सेम ही करनी होती है, हाँ, टेलीविजन हो या फिल्म हो। जी ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि टेलीविजन में वक्त नहीं मिलता है, और फिल्म में आपके पास थोड़ा वक्त है, आप आराम से सोच समझ के एक एक चीज़, एक एक एक्सप्रेशन, एक एक डायलॉग पे काम कर सकते हैं, अपने किरदार पे काम कर सकते हैं, कहानी पे काम कर सकते हैं जी। इसका वक्त मिलता है जी, जबकि टेलीविजन में टाइम नहीं है, आपको जो करना है क्विक करना है, फास्ट करना है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जी। और जब आपने परमाणु की, आपका कम्प्लीटली जो एक्टिंग का पार्ट था वो कम्प्लीटली वी कैन से दैट ईस्ट वेस्ट हो गया था, कि राजस्थानी कैरेक्टर डेवलप करना, उसकी भाषा बोलना, जॉन के साथ फाइटिंग सीन्स होना, ये कैसे सब कुछ मैनेज हुआ? तो इसके लिए फिल्म के पहले एटलीस्ट 3.5 महीने की तैयारियां थी हमारी, ओके, जिसमें लैंग्वेज कोच थे, ओके, जो मुझे लैंग्वेज सिखाते थे, हाँ। फिर मैं हमारे जो फाइट मास्टर थे जी, उनके असिस्टेंट्स मुझे बीच पे ले जाके फाइट सीक्वेंस के लिए रेडी कर रहे थे, ओके। प्लस हमारे रिहर्सल्स भी हुए थे अच्छे से, यू नो, और वो डायरेक्टर भी ऐसे थे कि उन्होंने मेरे पास से वो परफॉर्मेंस निकलवा के लिया, तो बहुत टाइम मिला तैयारी करने का, और लोग भी मिले, सपोर्ट भी मिला तैयारी करने का, इसलिए वो वहाँ पे दिखता है। तो वो जो वहाँ पे मैंने जो भी परफॉर्म किया है, जैसा भी लगा जी, उसमें सिर्फ मेरा हाथ नहीं, उसमें डायरेक्टर का हाथ है, उसमें राइटर का हाथ है, उसमें फाइट मास्टर का हाथ है, उसमें सामने वाले एक्टर का हाथ है, उसमें मेरे लैंग्वेज कोच का हाथ है, सबका हाथ है, तब जाके वो वहाँ पे दिखता है। सो आपको वो पूरा प्रोसेस एंजॉय करने का भी टाइम मिला, एंजॉय करने का टाइम मिला, उसके ऊपर काम करने का टाइम मिला, जो कभी नहीं मिला था, इतना प्रिविलेज टेलीविजन एक्टर के पास होता नहीं है, तो ये प्रिविलेज बहुत ही अच्छा होता है, उससे यू नो आपका परफॉर्मेंस 10 times बेटर हो जाता है, क्योंकि आप चाहते तो हैं, आप समझते भी हैं, लेकिन टाइम नहीं, आप कर नहीं पाते, तो फिर वो मोमेंट में जितना मिला, जैसा मिला वैसा करके निकलना पड़ता है, देन यू फिर वो रिग्रेट नहीं कर सकते कि अरे यार इसमें ये कर सकता था, वो होता बहुत है, लेकिन फिर उसको अब साइड में रखना पड़ता है कि यार टेलीविजन में इतना सोचने का नहीं। आपको कितना टाइम लगा था टेलीविजन से डायरेक्टली फिल्म एक्टर बनने में? मतलब वो काम मिलने में टाइम लगा मुझे, काम करने में टाइम, मैं प्रोसेस की बात कर रही हूं, एटलीस्ट 3 साल तो लगे थे मुझे। ओके सो वी हैव टू, मतलब जो भी नए एक्टर्स आ रहे हैं उनको पेशेंस की बहुत जरूरत है। हाँ, पेशेंस तो एक्टर को पेशेंस डेवलप करके रखना ही पड़ेगा। यू आर नॉट दैट मच सोशल मीडिया पर्सन, तो आप जो सोशल मीडिया से अब एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं या फिर मॉडलिंग फील्ड में आना चाहते हैं, आप उन्हें क्या कहोगे? वो सोशल मीडिया, अब मैं इतना एक्टिव क्यों नहीं हूँ क्योंकि मुझे अपनी प्राइवेट लाइफ उधर डालना अच्छा नहीं लगता है, यू नो।
वो दो चीज मैं अलग रखना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल चॉइस है जी। मेरा जो काम की चीज है वो मैं सब डाल देता हूँ, ठीक है। और आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ टू डू अ बिगर प्रोजेक्ट्स, बिगर रोल्स, बिगर कैरेक्टर्स। सो वो अभी कोई मुझे बोले या 30 सेकंड की रील बनाओ तो मैं नहीं बना क्योंकि वो मेरी ट्रेनिंग ही वही है, मेरा काम वो है। यस यस, एक्टिंग अपब्रिंगिंग। हाँ, तो मैंने वो जिंदगी भर वही किया है, किया है। उसी तरह अब जो 30 सेकंड की रील्स बनाते हैं, हाँ। उनको अगर ये करना है जाए। तो उनको फिर उसमें शिफ्ट होने के लिए थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसके अंदर उतरना पड़ेगा। वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, वो भी कर सकते हैं। जब मैं भी 30 सेकंड रील बना सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे पूरा 180 डिग्री उसके उसमें घुस जाना पड़ेगा। तो अगर फिर मैं वो करने बैठूंगा तो ये कब करूंगा। तो दोनों नाव में पैर मेरे से नहीं रखा जाता है। मैं थोड़ा, मेरे लिए मुश्किल है, लोग करते होंगे, करते हैं, बट अगर उनको प्रॉपरली एक्टिंग में आना है और एक्टिंग करनी है तो फिर सीखना पड़ेगा। आपने वेब सीरीज भी की है और अपकमिंग एक फिल्म इमरजेंसी, जो भी एक बड़े प्रोडक्शन के साथ, मणिकर्णिका प्रोडक्शन के साथ आ रही है। कंगना के आपने पीए का रोल किया है उसमें, जैसे इंदिरा गांधी, आई मीन टू से, उनके पीए का रोल किया है। ट्रेलर हमने देख लिया, बड़ा कट टू कट है, कहीं पे भी डिस्क्लेमर नहीं है कि क्या होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, वो उनकी पूरी लाइफ स्टोरी है। व्हाट अबाउट यू, आप फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? देखो, ये तो सबको मालूम ही है कि क्या है इंदिरा गांधी की लाइफ, क्या है इमरजेंसी, क्या थी, सबको वैसे तो पता ही है, इट्स आउट इन द पब्लिक। यस, ओके। लेकिन इमरजेंसी जब लगी जी, तो वो डायरेक्ट लगी नहीं थी, उसका एक पूरा प्रोसेस था। पहले से आप धीरे धीरे धीरे, कि जब इंदिरा गांधी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी, फिर धीरे 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 वहां तक चीजें पहुंची थी जी, कि इमरजेंसी लग गई जी, जी जी। तो इसमें ये पूरा उन्होंने प्रोसेस दिखाया है जी, स्टार्ट टू एंड, कि भाई कैसे इमरजेंसी तक पहुंची पूरी सिचुएशन जी जी। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। यस। और एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी, अगर आप इसका आंसर देना चाहे ना चाहे, आपके ऊपर है। फिल्म के वक्त आपने कहा कि बहुत टाइम लगा, वक्त लगा, R&D भी बहुत हुई होगी, हिस्ट्री को लेके भी हुई होगी। अकॉर्डिंग टू यू एज अ इंडियन सिटीजन, आपको क्या लगता था कि इमरजेंसी सही थी या गलत थी? तब देखिए, मैं था तो नहीं, वो तो मैं भी नहीं थी, ठीक है। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए, कहीं ना कहीं वो गलत था मुझे लगता है। अच्छा, हाँ, ओके। तो लेकिन क्या है कि उसके बारे में हमको पता है, हम उसमें थे नहीं, यस, यू नो, तो हम कमेंट इतना नहीं कर सकते। जो वो जो थे उस वक्त जी, जी जी, वो अगर इस बारे में कमेंट करे तो उनके पास लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी होगी कि ये सही था तो क्यों था, गलत था तो क्यों था। True. अब हम इतने साल के बाद अभी गलत लग रहा है कि गलत ही था, बट आई डोंट नो। ठीक है, बस मैंने इसलिए बोला कि अगर कंफर्टेबल है, हाँ, वो थोड़ा यू नो हो जाता है, क्योंकि अब आप न्यूज में भी आए तो थोड़ा सा वो रह जाता है। कोई बात नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन फास्ट हम ले लेते हैं। योर ड्रीम रोल? आई डोंट ड्रीम अबाउट रोल्स। ओके, मोस्ट मेमोरेबल सेट मोमेंट, छोटी सी कोई भी, वैसे तो बहुत बड़ी होंगी आपके पास क्योंकि करियर इतना बड़ा था, इन छोटी सी एक चीज। पास। डायरेक्टर यू वुड लव टू वर्क विद? डायरेक्टर आई वुड लव टू वर्क विद, बहुत सारे हैं, टैरेंटिनो। बढ़िया। वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर एक्टिंग स्किल? आई एम लाइक वाटर, है ना। टीवी और फिल्म्स? बोथ। बोथ? टेलीविजन जितना पैसा देता है उतना पैसा फिल्म में नहीं मिलता है। अच्छा। पॉलिटिक्स और नॉट पॉलिटिक्स? नो नो नो, नहीं, नो पॉलिटिक्स। एक छोटी सी बात, अगर आप इस प्लेटफॉर्म से, हिंद फर्स्ट के प्लेटफॉर्म से, अगर आप देना चाहे कंगना जी को, तो क्या देंगे? मैं क्या दूंगा यार, मैं तो थैंक यू बोलूंगा उनको।
है ना. थैंक यू फॉर कास्टिंग मी एंड यू नो टीचिंग मी सो मेनी थिंग्स. एंड इनफैक्ट अगर आप आर के धवन का फोटोग्राफ देखेंगी तो मैं कहीं उनके जैसा नहीं दिखता. अच्छा. और जब मैंने टेस्ट दिया था तो मैं ऐसे ही दिया था मैंने. हाँ. तो आफ्टर सम टाइम मैंने कंगना से पूछा भी कि यार मुझे क्यों कास्ट किया, कैसे कास्ट किया, मतलब हाउ विल यू हाउ डिड यू विजुलाइज. एंड शी इज लाइक कि मैं ऑरा देखती हूँ. अच्छा. मैं ऑरा देख के कास्ट करती हूँ. तो आप देखेंगे तो पूरा मुझे ट्रांसफॉर्म कर दिया उन्होंने. हाँ. और इतना विजन लोगों में है नहीं, यू नो, सो विच इज अ ग्रेट थिंग अबाउट इट. ठीक है, बस इतनी okay. सी बातें हिंद फर्स्ट के लिए. हमारे हिंद फर्स्ट न्यूज चैनल के लिए कुछ भी आप अगर हमारे दर्शकों को कहना चाहे, दर्शन पंड्या इज ऑन आवर स्टूडियो. हिंद फर्स्ट बहुत ही प्रॉमिसिंग चैनल बन के उभर रही है, वो मैं देख सकता हूँ. और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा देखिए और एंजॉय कीजिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. एंड वी ऑल वी विश लक एंड बेस्ट ऑफ लक, सब कुछ, ऑल द बेस्ट आपके वर्क के लिए, ऑल द बेस्ट. और ऐसी चीजें आपके पास आती रहे और अच्छे अच्छे किरदार हमें देखने को मिले. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.